रहा क्वारंटाइन सेंटर में 12 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई है। 9 जून को इलाहाबाद से परिजन के साथ गांव लौटी थी और ब्लड की कमी से जूझ रही थी मासूम। आपको बता दी कि तबियत बिगड़ने के घंटे भर के भीतर क्वारंटाइन सेंटर में बच्ची ने दम तोड़ दिया। जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और मृतक बच्ची में कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं थे। पथरिया इलाके के बाकी गाँव की ये पूरी घटना है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ब्लड की कमी से जूझ रही बच्ची ने दम तोड़ दिया है। मृतक में कोई भी कोरोना के लक्षण नहीं थे और खून की कमी बताई जा रही थी और क्वारंटाइन सेंटर में 12 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई है। और 9 जून को इलाहाबाद से परिजन के साथ लौटी थी गांव और ब्लड की कमी से बच्ची लगातार जूझ रही थी और तबियत बिगड़ने के घंटे भर के भीतर क्वारंटाइन सेंटर में दम तोड़ दिया। और जिला प्रशासन में हड़कंप देखा जा रहा है। मृतक बच्ची में कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं थे और पथरिया इलाके की बावली गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां एक मासूम बच्ची ने खून की कमी के चलते क्वारंटाइन सेंटर में ही दम तोड़ दिया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता रोहित कश्यप जुड़ गया है। रोहित, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है और बच्ची में कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं थे, इस बात का खुलासा कब हुआ था? देखिए बता दो कि पूरा मामला मुंगेली जिले के पथरिया जनपद के बावली ग्राम पंचायत का है, जहां पर बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में 9 जून को जो मृतिका जो बच्ची है वो अपने परिजनों के साथ इलाहाबाद से लौटी थी, जिसके बाद आज से कुछ देर पहले अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। परिजन को समझ पाते, प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंच पाता, इससे पहले बच्ची की मौत हो गई। इलाके के एसडीएम से हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि बच्ची में किसी भी तरह कोरोना के लक्षण नहीं मिले हैं और खून की कमी की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई थी। हालांकि सूचना मिलने के बाद तत्काल स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है वो मौके के लिए रवाना हो चुका था, लेकिन जब तक अमला वहां पहुंचा तब तक बच्ची की मौत हो गई थी। बहरहाल प्रशासन के द्वारा एहतियातन के लिए बच्ची के शव को बच्ची क्वारंटाइन सेंटर में थी और वहां देखने के लिए पहले ही लोग मौजूद होते हैं और उसके बावजूद भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, ये एक बड़ी लापरवाही को भी दर्शाता है। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे अगले